जय हो कृष्ण भगवान शांता पद्मनाभम सुशम विश्वधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगीका कमलनयन योगी विधा

जय हो कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण भगवान अध्याय में कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल शही तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सब के आधार होने के कारण और सब से ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धर नाम से कहे गए हैं और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है इसलिए इस संसार रूप वृक्ष को उधर मूल वाला कहते हैं उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है इसलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है और अनादि काल से इसकी परंपरा चली आती है इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप है इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तीरे का योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपनों के रूप में कहे गए हैं मनुष्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोगों के सहित देव मनुष्य, मनुष्यतिरिक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है अहंता ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्ववृत्त पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और देखा सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता इसका आदि नहीं है यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है इसका अंत नहीं है यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार कार्य में नहीं पाया जाता क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति ही है इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली खोजना चाहिए जिसमें गए हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस प्रातन संसार वृक्ष की उत्पत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदिपुष्ण नारायण की मैं शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है यह है कहने का प्रयोजनिय है, है। कि वास्तव में यह क्षण भंगूर और नाशवान है ब्रह्म लोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता का ना भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है स्थावर जंगम यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार के सहित काटना है जिस परमेश्वर, जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाश कर सकता है ना चंद्रमा और ना अग्नि ही वही मेरा परम धाम है इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है परम धाम का परम धाम का अर्थ गीता शास्त्र आठ श्लोक इक्कीसवी में, में देखना चाहिए जैसे विभाग स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं किंतु तो जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तो मेरा ही तेज जान और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से, से भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने यज्ञ हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ इसलिए लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझ को इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है हे निष्पाप अर्जुन इस प्रकार यह रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है ओम तीसरी श्रीमती भगवत गीता सुपनिशुब्रम विद्याम शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन समादेश पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश अध्याय जय हो कृष्ण भगवान की आज मैंने आपको पंद्रवा अध्याय केवल हिंदी में ही पढ़कर सुनाया है मैं आशा करती हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से सुना और समझा होगा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु सबको ज्ञान देना जो आपने इस गीता शास्त्र में कहा है मैंने वैसा ही पढ़कर सुनाया है क्योंकि गीता जी की महिमा कोई भी नहीं कह सकता ये खुद स्वयं प्रभु कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई गीता जी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन से कहे गए हैं और इसको भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत में ही गाया था हिंदी में इंग्लिश में तमिल में और दूसरी अन्य भाषाओं में इसका बाद में अनुवाद किया गया है ताकि सभी इसको समझ सकें भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें जय हो कृष्ण भगवान